नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। सुबह के इस खास अंक में आप सभी का स्वागत है। पबजी गेम के विवाद में किशोर ने कर दी अपने ही दोस्त की हत्या। 5 दिन पहले हुई थी वारदात। शातिर बदमाश की तरह बरगलाता रहा आरोपी किशोर। गांव गढ़सरनाई में हुई वारदात में पुलिस ने आरोपित के मां बाप को भी लिया हिरासत में। गांव में तनाव का है माहौल। आरोपित के घर के बाहर पुलिस का लगा है पहरा। 9 साल के बच्चे से कुकर्म करने के दोषी को फास्ट्रैक कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, साथ ही लगाया गया 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी। मतलोडा मार्ग पर रोडवेज बस चालक को गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करना पड़ा महंगा, जीएम ने किया सस्पेंड। साइबर क्राइम जागरूकता माह के तहत आईटीआई में विद्यार्थियों व स्टाफ को साइबर अपराध के बारे में जानकारी देकर किया जागरूक। पानीपत की सैयटू पुलिस टीम ने धमीजा कॉलोनी में घर से मोबाइल फोन व नकदी चोरी करने वाले आरोपी को रेलवे रोड के सामने फ्लाईओवर पुल के नीचे से किया काबू। पानीपत की सैय वन पुलिस टीम ने समालखा में किवाना मोड़ पर एक शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से चोरी की 2 बाइकें भी की गई बरामद। 5,000 का इनामी अवैध देसी पिस्तौल सहित चढ़ा पुलिस के हत्थे। अंबाला कैंट थाने में दर्ज जानलेवा हमला के मामले में 14 महीने से चल रहा था फरार। पानीपत शहर की 13 कॉलोनियां होंगी नियमित कॉलोनियों का डिजिटल मैपिंग का काम हुआ पूरा। एटीपी ने मुख्यालय भेजी है लिस्ट। पराली जलाने की रोकथाम के लिए मंडियों में किसानों से गेट पास पर ही पराली न जलाने की ली जाएगी अंडरटेकिंग। डीसी ने मंडी सचिवों की बैठक लेकर दिए निर्देश। सरकार पूरी तरह सख्त है, प्रशासन पूरी तरह दुरुस्त है कि पराली न जलाएं किसान। अब ये इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने मंडियों में भी अनाउंसमेंट होती है कि पराली न जलाएं। आढ़तियों को भी कह रखा है कि पराली न जलाने दें किसानों को, ये कहें। फिर हमने गांव के सरपंचों को भी इसमें इन्वॉल्व कर रखा है। उसके बाद हमने इसमें हर जगह डिप्टी डायरेक्टर जो हमारे एनिमल हस्बेंड्री उनकी तरफ से हर एक बंदे की हर गांव में ड्यूटी है। फिर मैंने अभी पीछे मुहिम चलाई थी, धारा 144 तो लगाए रखी है, जो किसान पराली जलाएगा उसके खिलाफ हम FIR दर्ज कराएंगे धारा 144 की वायलेशन में। दूसरा ये है कि उसमें पराली जलाने में दिक्कत भी है, उसमें किसान पर फाइन भी लगता है, 15,000 तक का फाइन लग जाता है। और यदि पराली ना जलाए तो किसान को पर एकड़ 1,000 रुपये भी मिलेगा, और जो पराली उठा के ले जाए 1,890 रुपये। और हमारे यहाँ पे टोटल जो एरिया है वो 182,000 एकड़ है। और इट इज बीइंग मॉनिटर्ड बाय ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी महोदय जो हमारे मुख्य सचिव है, वो इसको मॉनिटर कर रहे हैं कि किसने कितनी पैड़ी जलाई। और जो DC इसमें मतलब ढीला पड़ता है उसी की खिंचाई भी होती है कि भाई आप पराली कैसे जलने दे रहे हो। तो आपसे मेरे इस मंच के माध्यम से कि इसका आप थोड़ा सा गांव में भी इसका प्रचार प्रसार अपने इस माध्यम से करवाएं और पराली ना जले, जैसे पटाखे नो टू पटाखा नो टू पराली। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़े हुए पानीपत के साथ नमस्कार। बालाजी फैब एंड हैंडीक्राफ्ट बेस्ट हैंडलूम शोरूम इन पानीपत। सभी हैंडलूम प्रोडक्ट एक ही छत के नीचे। स्टारजॉय कंफर्टर एंड बेडशीट नंबर 1 चॉइस। स्टारजॉय कंफर्टर एंड बेडशीट 100 आकर्षक मॉडलों में। टॉवल, सोफा कवर, डोर मैट की आकर्षक रेंज उपलब्ध है बालाजी फैब एंड हैंडीक्राफ्ट में। 273/7 अमर भवन चौक पानीपत। 9068646004।